हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोडिंग टेक। आई एम योगेश खन्ना। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर सिखाने वाला हूं कि आप अपनी वेबसाइट में फ्री ऑफ कॉस्ट बिना पैसे दिए SSL कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, कैसे आप अपनी वेबसाइट को सिक्योर कर सकते हैं। जैसे आपने देखा कि मैंने ये वेबसाइट ओपन करी yogeshkhanna.com, और यहाँ पर अगर आप ऊपर देख रहे हैं URL के अंदर, तो यहाँ पर आपको दिखा रहा है नॉट सिक्योर। देखिए, अभी देखा जाए तो इस वेबसाइट में कुछ कंटेंट नहीं है, जस्ट मैंने एक डमी टेक्स्ट लिखा हुआ है प्रैक्टिस वेबसाइट। अब स्टैटिक वेबसाइट्स में ऐसा सिक्योर और अनसिक्योर वाली कोई बात नहीं होती। ठीक है, जहाँ पर आपकी वेबसाइट कोई ई-कॉमर्स वेबसाइट है या फिर आपकी कोई बिजनेस वेबसाइट है जहाँ पर आपका डाटाबेस वगैरह क्रिएट है या फिर आपका बहुत इंपॉर्टेंट बैकएंड पे डाटा है या कोई एप्लीकेशन रन हो रही है, उस केस में आपकी वेबसाइट पे SSL इंस्टॉल होना बहुत जरूरी है। और अगर आपकी नॉर्मल स्टैटिक वेबसाइट भी है और ऊपर URL में नॉट सिक्योर आ रहे हैं, तो एक ये थोड़ा सा यूजर एंड पे ट्रस्ट वर्दी वाली बात नहीं आती। यूजर का मतलब इंटरेक्ट जो है वो पॉजिटिव नहीं रहता आपकी वेबसाइट को लेके। तो SSL इंस्टॉलेशन आज के टाइम में बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। जबकि मैं पीछे 1.5 साल 2 साल पुरानी बात करूं, तो ऐसे ब्राउजर में लिखा हुआ नहीं आता था नॉट सिक्योर, जस्ट एक साइन आता था जो अनलॉक का साइन होता था और सिक्योर में लॉक का साइन आता है। तो चलिए, अब मैं वैसे भी आपको आज इस वीडियो को थ्रू सिखाने वाला हूं कि आप अपनी वेबसाइट में फ्री ऑफ कॉस्ट SSL कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। आपको दो काम करने हैं। सबसे पहले आपको अपने cPanel को लॉगिन करना है, यानी कि अपनी होस्टिंग को आपने लॉगिन करना है, और सेकेंड टैब पे आपको एक वेबसाइट खोलनी है sslforfree.com। जैसे आप sslforfree.com खोलेंगे, यहाँ पर आपसे URL मांगेगा आपकी वेबसाइट का जिसको आपको सिक्योर करना है। आप वो यहाँ पर डाल देंगे क्रिएट फ्री SSL सर्टिफिकेट। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने आप को रजिस्टर कर लेना है। जैसे आप रजिस्टर कर लेंगे, आपने इनके स्टेप्स को फॉलो करना है। आपने एंटर डोमेन में yogeshkhanna.com डाल दिया है। नेक्स्ट स्टेप वैलिडिटी। फ्री SSL की वैलिडिटी 90 डेज की है। फ्री में मिल रहा है तो 90 डेज इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट, 3 महीने बहुत होते हैं। नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पर आपसे वो पूछ रहा है CSR। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी वेबसाइट का CSR जनरेट करना है। आपने पेस्ट एग्जिस्टिंग CRR पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अपना CSR जनरेट करना है, पेस्ट एग्जिस्टिंग CSR। अब आपको अपने cPanel में जाना है और यहाँ पर लिखना है SSL। यहाँ पर आ रहा है, आप देख रहे हैं सर्टिफिकेट साइनिंग रिक्वेस्ट, CSR जनरेट पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपना डोमेन नेम लिखना है जिसको आपको सिक्योर करना है। जिस सिटी में रहते हैं वो सिटी आपने डालना है, जिस कंट्री में रहते हैं वो कंट्री आपको डालना है, आपको अपनी कंपनी का नेम डालना है और जनरेट पे क्लिक कर देना। जैसे आप जनरेट पे क्लिक करेंगे तो आप ये देख रहे हैं एनकोडेड सर्टिफिकेट साइनिंग रिक्वेस्ट जो है CSR जो है वो जनरेट हो गया है। अब आपको इसको कॉपी करना है और आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। जैसे आप पेस्ट करेंगे, आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। आपको यही $0 per month फ्री वाला SSL सेलेक्ट करना है एंड नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा आ रहा है योर सर्टिफिकेट हैज बीन क्रिएटेड एंड इज रेडी फॉर डोमेन वेरिफिकेशन। बहुत ही बढ़िया। अब आपको क्या करना है, ईमेल वेरिफिकेशन। आप ईमेल वेरिफिकेशन कर सकते हैं, आप DNS के थ्रू वेरीफाई कर सकते हैं, आपको मल्टीपल ऑप्शन दिया हुआ है, या आप HTTP पर फाइल अपलोड कर लीजिए। सबसे सिंपल है HTTP फाइल अपलोड पे क्लिक करें और आपको यहाँ पर एक फाइल दे रहा है डाउनलोड योर ऑथर फाइल यूजिंग द फॉलोइंग लिंक। आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपके सिस्टम में एक फाइल डाउनलोड हो जाएगी। अब इस फाइल को आपने कहाँ पर अपलोड करना है, अपलोड द ऑथराइज्ड फाइल टू योर HTTP सर्वर अंडर दिस फोल्डर। अब मैं यहाँ पर जाऊँगा अपने cPanel के फाइल मैनेजर के अंदर। फाइल मैनेजर में गया, मैं पब्लिक HTML में गया। आप जब भी cPanel में लॉगिन करेंगे तो डिफॉल्ट आपको डॉट एक्सटेंशन की कोई भी फोल्डर नजर नहीं आएगा। तो सेटिंग्स में जाइए और यहाँ पर शो हिडन फाइल्स पे क्लिक कर दीजिए।
जैसे आपने शो हिडन फाइल पे क्लिक करा, देखिए एक फोल्डर और आपके सामने आ गया डॉट वेल नोन। आप डॉट वेल नोन को ओपन करेंगे और यहाँ पर ये दिखा रहा है ACMB चैलेंज। अब देखते हैं कि ये कौन सा मांग रहा है, ये मांग रहा है PKI वैलिडेशन। आप इसको कॉपी कर लीजिए, इस फोल्डर के अंदर आप एक फोल्डर और क्रिएट कर लीजिए। हमने ये फोल्डर क्रिएट कर लिया, तो हमारा पाथ जनरेट हो चुका है जो हमें चाहिए था, पब्लिक HTML के अंडर डॉट वेल नोन और डॉट वेल नोन के अंडर PKI वैलिडेशन। इसके अंदर मुझे वो फाइल अपलोड करनी है जो मैंने अभी डाउनलोड की थी। अपलोड पे क्लिक करूंगा, सेलेक्ट फाइल पे क्लिक करूंगा और मैंने जो फाइल डाउनलोड करी थी मैंने उसको चूज कर, तो यहाँ पर फाइल सक्सेसफुली अपलोडेड हो गई है, ग्रीन कलर से 100% भी लिखा हुआ आ गया है। नेक्स्ट स्टेप वेरीफाइड डोमेन। अब ये आपको उस फाइल अपलोड के थ्रू चेक करेगा कि आपने जो फाइल डाली है वो ठीक डाली है कि नहीं। सो कंग्रेचुलेशंस, योर डोमेन हैव बीन वेरीफाइड। तो अभी आपके लिए एक सर्टिफिकेट जनरेट कर देगा। प्रोसेसिंग है, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पर आपसे वो सर्वर टाइप पूछ रहा है, हमारा सर्वर टाइप cPanel है और आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद आप इसको एक्सट्रैक्ट कर लीजिए। तो अब हम वापिस सेम पाथ पे चले, सेम उस पे चले जाते हैं ब्राउजर पे। और अब हमें क्या करना है, जो हमने सर्टिफिकेट डाउनलोड किया है उस सर्टिफिकेट को हमने अपने SSL के अंदर इंस्टॉल करना है, अपने cPanel में इंस्टॉल करना है। तो दोबारा आप SSL में चले जाएं। हमारा सेकंड स्टेप हो गया था सर्टिफिकेट साइनिंग रिक्वेस्ट, अब हमें करना है सर्टिफिकेट पे। सो जैसे ही मैं सर्टिफिकेट्स पे आया तो अभी यहाँ पर जो मैंने जनरेट किया है CSR जो मैंने जनरेट किया था 15-12 यस, हमने ये वाला सर्टिफिकेट, ये वाला CSR अभी हमने जनरेट किया था। मैं इसके इंस्टॉल पे क्लिक करूँगा और इंस्टॉल पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप ये देख रहे हैं जो अभी हमने सर्टिफिकेट जनरेट किया था वो सर्टिफिकेट ऑटोमेटिकली उस CSR के बेस पे यहाँ पर आ गया है। आप इंस्टॉल सर्टिफिकेट पे क्लिक कीजिए तो आप यहाँ पर देख रहे हैं दिस SSL सर्टिफिकेट वाज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड, ओके पे क्लिक कर दीजिए एंड रिटर्न टू द SSL मैनेजर। अब आप यहाँ पर अगर आप रिफ्रेश करेंगे तो आपको अभी भी नॉट सिक्योर दिखा रहा है, बट अगर मैं यहाँ पर HTTPS डाल दूंगा तो मुझे यहाँ पर ये सिक्योर दिखा देगा, राइट। बट एक चीज ध्यान रखिए, और ये 3 मंथ्स की वैलिडिटी आपको दिखा रहा है, बट एक चीज ध्यान रखिए कि किसी को हम नहीं बता सकते कि आपको HTTPS डालना है या आपको डायरेक्ट www से लॉगिन करना है या HTTP से लॉगिन करना है। जो भी एक नॉर्मल कस्टमर होगा, नॉर्मल यूजर होगा, वो तो डिफॉल्ट yogeshkhanna.com ही डालेगा, आगे कुछ भी नहीं डालेगा, www ना ही HTTP और ना ही HTTPS। तो उसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, मैं आपको एक छोटा सा कोड दे रहा हूँ, वो एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस कोड को आपको अपने फाइल मैनेजर में अपलोड करना है। फाइल मैनेजर में आप जाएंगे, पब्लिक HTML में जाना और यहाँ पर रूट के अंदर यानी कि पब्लिक HTML के अंदर एक फाइल क्रिएट कर लेना .htaccess। जो मैं ये कोड डाल रहा हूँ ये रीडायरेक्शन पर्पस के लिए डाल रहा हूँ, ये कोड मैंने डाल दिया, रिडायरेक्ट कर दिया मैंने HTTP को HTTPS के ऊपर, ठीक है। तो आपने सिर्फ यही कोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आपने इस कोड को कॉपी करना है और आपने पब्लिक HTML के अंदर HTTPS के नाम से फाइल बना लेनी है। तो अब क्या होगा कि चाहे मैं कुछ भी खोलूं एक्सटेंशन, कोई भी URL डालूं विदाउट www या HTTP के साथ या HTTPS के साथ, हमारा जो डोमेन है ऑटो रिडायरेक्ट हो जाएगा HTTPS पे। ये देख रहे हैं आपके सामने ही आपको दिख रहा है, मैं आपको फिर करके दिखा रहा हूँ yogeshkhanna.com। मैंने विदाउट HTTPS के डाला और फिर भी वो रिडायरेक्ट कर गया HTTPS के ऊपर। और यहाँ पर आप देख रहे हैं योर वेबसाइट इज नाउ सिक्योर्ड। तो गाइस होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट SSL कैसे इंस्टॉल करना है, और जो मैंने आपको वेबसाइट बताई SSLforFree.com उसके थ्रू आप फ्री में SSL इंस्टॉल कर सकते हैं, और भी बहुत सारी वेबसाइट्स है जहाँ से आप SSL फ्री ऑफ कॉस्ट 3 मंथ्स और 6 मंथ्स के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। और जब आप cPanel बाय करते हैं, जब होस्टिंग बाय करते हैं तो उसके साथ भी आपको 3 मंथ्स और 6 मंथ्स का
प्री एस एस एल डिफॉल्ट, उसके अंदर एक फीचर होता है जहाँ से आप उसको सेल्फ साइन करके आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। बस सिर्फ आपको फाइल मैनेजर में जाके एस टी एक्सेस के नाम से एक फाइल क्रिएट करनी है, और आपको जो मैंने कोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया है वो आपके अपनी वेबसाइट में इंस्टॉल कर देना है। सो गाइज, एस एस एल इज वेरी इंपॉर्टेंट, दो पर्पज के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी वेबसाइट पे कोई बिजनेस पेमेंट ट्रांजेक्शन है, आपकी वेबसाइट ई कॉमर्स है या बिजनेस वेबसाइट है, तो आपकी वेबसाइट पे SSL होना बहुत जरूरी है, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कस्टमर इंटरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कस्टमर के ट्रस्ट के लिए भी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई और आपको रियली मालूम पता लग गया कि SSL कैसे इंस्टॉल करना है और SSL क्यों जरूरी है, सो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल कोडिंग टैग। मैं इसी तरीके की बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छी अच्छी वीडियोज आपके लिए लाता रहूंगा। थैंक यू गाइज, सी यू, बाय बाय।